दो से लेकर सात साल तक और खास खासतौर तो पर स्पेसिफिक मेंशन करूं की एक्यूट एपीग्लोटाइटस के, एपी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है अच्छा इन दोनों में एक और चीज भी सिमिलर है वो है हमारी हॉट पोटैटो वाइस मफल्ड वाइस तो वो भी दोनों के अंदर आती है लेकिन एक्यूट एपीग्लोटाइटस के अंदर थम्सन आता है एक्यूट अक्यूटीग्लोटाइटस के अंदर आपने ट्राइपोड पोजिशन को रट्टा मार लेना है ओके और अपी एक्ट अपीग्लोटाइटस के जो सामने एक और चीज आती है वो कराओ आती है कैसे कंपेयर करते हैं एक्यूट एपीग्लोटाइटस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से होता है लेकिन एक और बात नोट कर लेना कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का अब इन दुनिया में नामो निशान खत्म हो चुका है

करने के लिए आप एम्पिसिलिन या सब ट्रैक्सोन देते हैं और इसके लिए जो ड्रग और चॉइस होते हैं ना मेनली वर्ड्रीनलिन होती है ठीक है ये आपने नोट कर लेना है बाकी जो इसके अंदर एक्सरे वाइट करते हैं बिकॉज ये क्या करती है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है लेकिन इसके अंदर एक्सरे वाइट नहीं बल्कि एक चीज़ अवॉइड करते हैं वो है हमारा जोस्कोपी क्योंकि प्रेसिपिटेट हो जाती है फिर आता है एक्यूट फलमिनट फंगल सैनोसाइटस अब जो फंगल फंगलोसाइटस है हमारे किसके अंदर आ जाती है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है लेकिन क्रॉनिक में भी जो एक्यूट एपिसाइट है उसको हम एक्यूट फलमिनट फंगल सैनोसाइटस कहते हैं चार टाइप का होता है फंगल इनफेक्शन नंबर वन आपका फंगस वाल वाला अर्जी फंगल सैनोसाइटस फुलमिनट और इनवेसिव वाला इन्वेसिव वाले के अंदर आगे मजीद आपने दो चीजें पढ़नी होती है एक एस्पजिलस वाला एक मिकोर माइकोसिस वाला ठीक है और यानी इन शॉर्ट की जो के और फुलमिनट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है होता है ये डायबिटीज के अंदर एच के अंदर और एक और बात देख ले एचआईवी का इतना ज्यादा नहीं है कोरोना का कोविड का बहुत ज्यादा आ गया है कोविड है वो ब्लैक नेक्रोटिक डेपोजिट है किसके ऊपर टर्मिनेट के ऊपर तो डायग्नोसिस क्या होगा एक्यूट इन्फलमीनेट फंगल सैनोसाइटिस या और स्पेसिफाई म्यूको माइकोसिस क्योंकि अभी ये का ट्रेंड चल रहा है उसको ठीक करने के लिए आपने दो चीजों को याद रख लेना है कंटिन्यू करके एडिनो ऑफ फैथोमाइड आपको वुड डस्ट देखने को मिलता है।, है लेकिन 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 अगर निकल रिफाइनिंग का बता दे तो निकल इंडस्ट्री की वजह से प्लास्टिक कार्सिनोमा हो सकता है किसका पैरानिजलिस का नेक्स्ट एडीनोइड फेसिस एडीड फेसिस में देखने को मिल सकते हैं अच्छा

तो जो फेसेस है एडीनाइट फेसेस के अंदर डल एक्सप्रेशन होता है उसका मुंह पूरा खुला हुआ होता है रात के वक्त मुंह खोल के सोता होता है क्राउडेड टीथ होते हैं हाई आज पैलेट होता है अंडर डेवलप पिंच नॉस्ट्रिल होते हैं इसके बाद अमोनिया अमोनिया को कभी भी टेंस कभी हम यूज नहीं करते फॉर सेंसेशन ऑफ स्मेल क्यों क्योंकि अमूनिया ट्राइजेमिनल करते हैं ट्राइजेमिनल की वजह से क्या होगा आपको टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिल सकता है की की डेफिशिएंसी वजह से हो सकता है जब डेफिशिएंट होगा तो सी वन का लेवल ज्यादा हो जाएगा वगैरह होती है कैपिलरी की अपनेबिलिटी करा देती है डीमा करवा देती है इसके बाद है यहां पे कुछ एक दो वैल्यूज आना शुरू हो गई है पहला एरिया रेशों या हाइड्रोलिक रेशों एरिया रेशो या हाइड्रोलिक रेशो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और स्टेपीज के फुट प्लेट के दरमियान में होता है सेवनटीन रेशो वन होता है लेकिन जो फंक्शनल वाला होता है असल में जो फंक्शनल वाला वो फोर्टी फाइव होता है और जो फंक्शनल के अंदर जो आपको एरिया देखने को मिलता है वो सेवन फोर्टीन रेशो वन होता है ओके अगर पूछे कि यहां पे जो टिम्पेनिक मेन का जो अल्ट का जो होता है ना वो 55 है लेकिन अगर फंक्शनल एरिया के बारे में बात करें दूसरे वर्कर में तो वो 45 होता है और तो सोल्व करना नर्व क्या होती है अच्छा एक और में बता देता हूं ठीक है ये एम एक एक से लेकर एसआई एंटीरियर प्रोसेस मेरिया से लेकर शॉर्ट प्रोसेस ऑफ तक पास करता होता है और चीज है सीधा करते हैं तो बत्तीस मिलीमीटर की हो जाती है ठीक है ये चीज आपने नोट कर लेनी है ठीक है जो आप मैंने सिमिलर चीजें दिखा दी है ओके तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ अच्छा यहाँ पर है पहला है नव आर्नोल नर्वतिक्रांच जोर गैंगलिया क्या होती है जबकि जैनिकुलर ग्रिया जो हो रहा है उसको बोलते हैं नर्वस इंटरमीडियस से ब्रांच निकलती है उसको नर्वस इंटरमीडियस या नर्व कहते हैं जबकि हमारा जो वीडियो नर्व होती है उसको हम उड़ाती है किसके अंदर वेजो मोटर के अंदर जो कि असल में क्या होती है दो नर्व की मजमुआ होता है सिंपथैटिक सिंपथेटिक फाइबर होती है क्लियर और इसके अलावा एक और नर्व भी आएगी जिसका नाम जैकॉपन नर्व जो कि टिपेनिक ब्रांच हो ग्रोस ऑफ रेंजल होती है मिडिल ईयर की को सप्लाई करती है और एक और ब्रांच भी आएगी जिसको हमारी नस ऑफ की ब्रांच होती है जो इन शॉर्ट हमारे पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करती है टिंपैनिक मेम्ब्रेन के और याद करना कि अगर ये फेशियल नर्व की ब्रांच हो कि कान को सेंसरी सप्लाई देती है अगर ये उड़ जाए किसके अंदर उड़ती है किसके अंदर डिस्ट्रॉय होती है कॉस्टिक नियोमा के अंदर और अगर कॉस्टिक नियोमा के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाए इस साइन को बोलते हैं फिड्स

रोटेशन एक्सप्लेन कर चुका ऑफ़ की वजह से कैंसर हो जाएगा और रिसेंटली इन दोनों पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट कैंसर होने के चांसेस क्या होते हैं ओके

होता है क्विंस टोबी तो आयो टेस्ट होता है ओके टेस्ट होता है ये तो जमान पे चढ़ भी नहीं रहे डेल्टा साइन होता है जो कि सीटी स्कैन पे आपको देखने को मिलता है ठीक है जब टॉपिक आएगा मैं आपको का दूंगा इन शॉर्ट ग्रेस सिंगर साइन में एडिमा होता है लेकिन जो हमारा बेटा साइनस में आपको ब्रूजीनस देखने को मिल सकती है काइमोसिस देखने को मिल सकता है इसके अलावा बिल फिनना फिनोमिना बिल फिनोमिना क्या रू बेल फिनोमिना ओके तो बिल बार असल में एक चीज आएगी तो बेल फिनोमिना क्या होता है बेल फिनोमिना आपको लोअर मोटर न्यूरो पॉलिसी में देखने को मिल सकता है असल में इसका एक साइन है जिसके अंदर आपको होता क्या जैसे आप आंखों को बंद करोगे तो आई बाल अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर जाती है नेक्स्ट है तीन एप्स है अगर एप्सेस इन रिलेशन टू द स्टर्नक लीडो है तो उसको बिजोर्ट कहते हैं अगर ये पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है तो उसको बोलेंगे सिटैली और अगर पोस्टीर वाल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक किनार के अंदर है तो उसको लक्स एप्सेस कहेंगे ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कर सबको ठीक है वो कब होगी जब मास्टाइड की जो जो मास्टाइड की जो अंपाई में वो बर्स्ट हो जाएगा थ्रू द मीडियल साइड ऑफ इट स्टेप इसके बाद बिल आइसलैंड क्या होता है बिल आइसलैंड एक थिन प्लेट ऑफ बोन होती है सिग्मा साइनस के ऊपर लेफ्ट हो जाती है

एपस्टिन बार वायरस की वजह से होता है फोर्सन ऑफ रोजा मिरर के अंदर होता है स्क्वेयर मसल कार्सिनोमा में सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंट है उसका जो ट्रीटमेंट और चॉइस है रेडियोथेरेपी है अभी थोड़ी अजीब सी बात है कैंसर है लेकिन इसको रेडियोथेरेपी से कीमोथेरेपी से ठीक कर देगा लेकिन जो एंजियोफाइब्रोमा है उसके लिए क्या होगी सर्जरी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और वहां पे आपको हेलमैन होलमैन मिलर साइन या एंट्रल साइन देखने को मिलेगा इसके बाद कारहाट नोच आता है दो नोच को आपने रट्टा मार लेना एक होती है टू के पे देखने को मिलती है बोन कंडक्शन के अंदर तो वो क्या होती है कारहाट नोच होती है और जो में आती है दूसरा होती है आपको फोर के में देखने को मिलेगी टिप एसी के अंदर और बीसी के अंदर दोनों को देखने के मिलेगा और ये किसके अंदर होगी नॉइस इंडियो लॉस के अंदर होती है कैरटिक और आर्टरी के अंदर क्या होता है और आर्टरी में एक्सटर्नल और इंटरनल जो कैरोडेड आटोरी आपको देखने को मिलेगा क्लियर

तो अब इसकी सिग्निफिकेंस ये कि एंडोलिफेटिक सैक को ये मार करती है जो डिस्पेजियल नजूरिया के अंदर होता है ये कि जो इसोफेगस होता है ना वो कंप्रेस कर देता है सबक्लेवन आर्ट्री को जिसकी वजह से क्या होगा ये कब होती है जब राइट सबक्लेवन आर्ट्री निकलती होती है थोड़ा से कयोटा से ठीक हो गया और ये ऐसा के आगे से पीछे से गुजर जाती है इसके बाद है बादल या जिसको हम बोलते हैं सिड्रोम ऑफ इलंगेटेड स्टा, प्रोसेस अब इसके अंदर क्या होगा इसमें आपको हो के टू, पेन हो इन द इन अपर नेक, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद इलास्टिक फाइबर अब इलास्टिक और हाइलिन कौन कौन से होते हैं हाइलिन का जो मेमोनिक वो एक्ट है मिलेगा ठीक है जबकि जो आपका इलास्टिक इसमेंटॉर्म और अब इसके सिग्निफिकेंस ये लास्टिक

ट्यूब और एक्सटर्नल थोड़े से सिमिलर है कैसे कि दोनों के दो होंगे आउटर वन थर्ड और आ, उसके बाद होगा इनर टू थर्ड ठीक है ओके तो जो हमारा यूस्टेशन ट्यूब है ना वो थर्टी सिक्स की है जबकि हमारा एक्सटर्नल हमारे फोर का होता है ठीक है लेकिन इसका जो आउटर वन थर्ड बोनी उसका आउटर वन थर्ड बोन है मीडियम टू थर्ड बोन बोनी होता है ठीक है अभी कहते हैं कि ट्यूब को ओपन कराने वाला जो मसल है ना टेंसिवला है और ओपन कराने वाला मसल कोई भी नहीं होता बल्कि पैसे हो जाती है और अगर यहाँ पे फैट खत्म हो जाए लाइक हमारा जो एक मैन फैट होता है बल्कि फैट कहते हैं अगर ये लॉस हो जाए तो उसकी वजह से पैचुलसन ट्यूब हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है पैचुलसन ट्यूब के अंदर बंदे को अपनी वास खुद ही आना

पेरी या है डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर ईयर है या मेलिंगरिंग होती है इसकी बाद है फ्रेंज मेनूर अब यहाँ पे डिफरेंट मेनूवर आ जाएंगे नंबर वन है फ्रेंजल मेनूर फ्रेंजल मिनोवर के अंदर स्टेशन ट्यूब को ओपन करते हैं और वेंटिलेट करते हैं मिडिल ईयर को कैसे करोगे आपने तीन ओपनिंग को बंद कर देना नोज को माउथ को और को दूसरी तरफ आपने मसल ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ और फायरिस की कॉन्ट्रेक्शन करानी है ठीक है यह फालसल्वा से थोड़ा मुश्किल होता है वाल सलवा किसके लिए करते हैं वाल सलवा करते होते हैं बेनजो सी के लिए करते होते हैं वैसे और काफी चीजों के लिए कर सकते हैं लाइक यू स्टेशन ट्यूब के लिए चेक करने के लिए भी कर सकते हैं और इसके अलावा एक मुलर मेनुवर आएगा मुलर मेनोवर कस के लिए करते हैं मुलर मेनूवर हम करते होते हैं

ओके okay, तो ये आपको पैराटेडक्टमी की बात देखने को मिल सकती है ड्यू टू क्रॉस इनोवेशन के जो, जो ग्लैंड को सप्लाई कर रहे होते हैं वो मिस डायरेक्टेड जाती है पैराटेटमी के बाद और सप्लाई कर, कर को सप्लाई करना शुरू कर है फंगस बाल होती है सीआर के दरमिया में होता है सॉरी एस आर के दरमियान सुपीरियर और रीकर लाइनजर के दरमिया में होता है जो जीस टेस्ट है गैली टेस्ट होता है ना इसके अंदर करते हैं नंबर वन ऑटोसाइक्लोसिस के लिए करते हैं अंदर बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं विद और विदाउट रेजिंग

कंडीशन तो आपका होता है ट्यूमर टिपानी आ जाएगा नहीं वो तो सीरियस हुआ होती है अर्टाइटिस मीडिया के दो आ जाती है एक तो आपकी इंट्रा और एक्स्ट्रा क्रेनियल है एक्स्ट्रा क्रेनियल को इंट्रा टेम्पोरल भी कहते हैं जिसमें आपकी फेशियल पालसी आ जाती है ओके इसके अंदर आपकी पेट्रोसाइटस आ जाती है इसके अंदर आपकी लेबरथाइटिस वगैरह आ जाती है इस पर मास्टोडाइटिस आ जाती है जबकि इंट्रा के अंदर आपकी सुपरा सॉरी एक्स्ट्रा ड्यूरल एपसेसल एप्स मैंने को मिलेगा अब ग्रेसल सिंड्रो ग्रेसल सिंड्रोटो एल्टो एक्सल के डिस होती है मिल सकता है इसमें पेनफुल होती है आपको देखने को मिलेगी इसके बाद है ग्रेसिंगर साइन तो ग्रेसेंगर साइन क्या होता है आपको डीमा देखने को मिलेगा मास्ट्राइट के ऊपर कर हूं कि मास्ट्राइड मिश्री बेन की ऑबस्ट्रक्शन होती है इसमें आपको और भी बहुत सारे साइन देखने को मिलेंगे वो हूं आखिर में गर्स प्रेशर टेस्ट में प्यबर फोनिया में मिलेगा ओके तो इसमें प्यर फोनिया देखने को नहीं करते होते हैं इसमें क्या करते को होल्ड करके उसको बैक और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करेंगे, ठीक है प्रेस करेंगे जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेच कॉर्ड रिलैक्स हो जाएगा और जो पीछे वो थोड़ी कम हो जाएगी

इसके बाद है जुगला फॉराम सिंह तो जुगला सिंड्रोम के सिंह नवी दी ग्यारवी नर्व की पैलिसिस होती है ये आपको कार्सिनोमा ऑफ ने में देखने को मिलेगा ठीक है ओके इसके अलावा जुगला फोरमे सिंड्रोम गोमस जुगलारी में देखने को मिलेगा लार्ज अकोस्टिक न्यूरोमा में देखने को मिलेगा क्लियर थ्रोबो में देखने को मिलेगा इसका बहुत ईजी मीमोनिक है कि आपने बिनाइन ट्यूबर पर नोट करना पहले सारे ऑलमोस्ट न्यूरोमा भी में बिना ट्यूबर है ये इनर ईयर का ये मिडिल ईयर का है और ये आपका फायरिक्स का है और और जुगलब पर बाधेगा इसके बाद कारमान सिन्म सिंट्रोमी और मिलता है का होता है सिंड्रोम का निमोनिक होता है बी आर एस रेटा मान लो के बी से क्या होगा ब्रोक आ जाएगा ओके okay. आर से क्या होगा रिकरेंट सानस वाइटस एस से साइंटिस्ट इन्वर्सस होगा ठीक है जबकि अगर मैं साइंटिस्ट इन्वर्सस को कार्ट के मैं लगा दूं दूँ स्पर्मिया तो ये क्या बन जाएगा ये आपका यंग सिंड्रोम बन जाएगा क्लियर और एक सेंटर ट्राइड होता है जिसमें आपको एसपीएन की हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा एस्तमा देखने को मिलेगा और आपको रिकरेंट पॉलीपोसिस देखने को मिलता है ठीक है कॉर्नर पे डायनी नाम की म्यूटेशन देखने को मिलती है एटीपीएल के अंदर कॉर्नर सेप्टम क्या होता है आपको मास्टर सर्जरी में देखने को मिल सकता है, मिल है बोनी प्लेट होती है जो कि पीटोस्यूचर बनाती है ठीक हो गया पड़ा हुआ होता है सुपर विशेष मास्कल होती है डी पर आपके पेट्रोजल होती है क्रॉस नॉट आपके होते हैं जुगला फोरामिन में जबकि नॉट ऑफ ग्रोवियर जबकि स्पेस में होती है ठीक है तो ये क्रॉस नॉट की एनलार्जमेंट की वजह से क्या आपको जुगला के अंदर तीन इंपॉर्टेंट स्पेज होती है

के okay, अब लो लर्म्यू मिनिया डिजीज का वेरिएंट है मिनिया डिजीज के और कौन कौन से तीन चार वेरिएंट होते हैं हाइड्रो वेस्टिबुलर इसके अलावा और क्या आ जाएगा आपके आ, हो क्राइसिस आ जिसको ड्रॉप अटैक अटेक है जिससे पे पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेकिन पेशेंट को लेप्स हो जाएगा आगे है कि यहाँ चलते हैं अच्छा ये बताना भूल गया ये आपको हैंडल ऑफ मेलियस के अंदर और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस में देखने को मिल सकते हैंडल ऑफ एलियस और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस तो वन पॉइंट थ्री से लेकर वन रेशो होती है आगे है लर्मिट साइन तो लर्मिट साइन आपको रेडिएशन ऑफ

स गन सिंड्रोम में क्या होगा माउथ ओपन करोगे तो आपकी आईज भी ओपन हो जाती है क्लोज करोगे तो टॉसिस हो जाएगा ठीक हो गया तो ये आपको आ...

या आपको मैमिलेटेड अपेयरेंस देखने को मिल सकती है इंटर okay. तो है टीबी के अंदर आती है अब इसके फंगल के हाइफी होती है ब्लड वेजर को वेट करते हैं जिसकी वजह से होगी लाइट वाल को इन्वॉल्व करेगा टर्मिनेट को करेगा आगे और जगह को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा उसके अंदर सर्जिकल डिब्लैटमेंट लाइफ एम्फोटेरिसिन भी इस्तेमाल करनी होती है नेक्स्ट आगे मेनोवर मोनोर मैंने बताया कि डिग्री और लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगता है कैसे करोगे आप फ्लेक्सिबल ने से करते हैं सबसे पहले एग्जामिनर क्या करेगा

होता है, ओके, और इसके अंदर अगर रेडियो थेरेपी यूज़ करोगे तो मलिक्यूलेंसी हो जाएगी, इसके बाद है कि न मसल्स और पैलेटन को सप्लाई करने वाली फ्रेंजिल प्लैक्सेस होता है, इससे टेंसर मिलाई पैलेटिनी का जो उसको सप्लाई करने वाली डार्ट को मिडियल होती है।

जेनिकुलर गैंग का उसको बोलते हैं रेमसी हैंड सिंड्रोम और इसके अंदर जो इरप्शन होती है वो किन किन जगह पे होती है आपको कौन के में देखने को मिल सकती है क्लियर आपको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन और पोस्ट ऑरिकुलर रीजन इसके अंदर देखने को मिल सकती है इसको बोलते हैं है, रिलेटेड है वो मेलकर्सन सिंड्रोम है ओके okay? वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ

बोनी लबाने फोटी तो सेंटर से उसी फायक होती है सोलह से स्टार्ट होती है बीस लेकर इक्कीस में खत्म हो जाती है मसल की वजह से हाइपर क्यूसिस या फोन ऑफ हो जाएगा एक डिप्ला क्यूसिस होता है इसके अंदर आपको दो दो साउंड देखने को मिलती है और एक कंडीशन के अंदर होता है मिनिया डिजीज के अंदर होता है ओके डिप्ला को हम क्या बोलते हैं अब को हम आ,

अब प्री ऑपरेटिव बायोप्सी बायोप्सी आपने किन किन कंडीशन में ले ली अब उन कंडीशन के अंदर जो कि वैस्कुलर ट्यूमर होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फीमेल के अंदर ग्लोमस ट्यूमर होता है मेल के अंदर आपका फाइब्रोमा ट्यूमर दोनों के अंदर होगा ट्यूमर ये भी दोनों के अंदर होता है स्पेस मीडियल होती है अच्छा रट्टा ना कि पर प्राइमरी हो जाएगा बाकी इसका रिलेशनशिप बता रहे किसी काम के नहीं है अगर सेमोमा बॉडी कैंसर के अंदर होती है पैथो खत्म तो बॉडी भी खत्म रेत की पाउच एक हो जाकर डायवर्टिकल होता है जो कि इंटीरियर लोबा पिटरी बनाता होता है अगर ये रहेगा तो बना देगा रिक्रूटमेंट इज एब नॉर्मल ग्रोथ इन द लाउड और ये सीन दे, देखने को मिलती है कॉकली में क्लासिकली आपको देखने को मिलती है आ, और इसके अलावा एक और कंडीशन में भी देखने को मिलती है लेना के अगर वोडीडी हार्ड नोस प्लस एल ट्रफिकट इसवल टू राइनोसक्के अंदर भी होगा तीन स्टेज होती है ट्रॉफिक होती है इसमें वुडी इनफल्ट्रेशन होता है इसके अलावा लैर तो सबसे

हमारे किसको इन्वॉल्व करता है स्पाइडोडोर एपिथिलियम को इन्वॉल्व करता है जो कि सूडो स्टेटेड फाइट सिलेटेड कलर वाला होती है श्वार्ट साइन इज अ पिंक रिफ्लेक्स थ्रू द इंटैक्ट इंपेलिंग मेम्ब्रेन इन द एरिया ऑफ ओवल विंडो ठीक हो गया यानी जो पिंक रिफ्लेक्स है ये आपको ऑटोसाइक्लोरोसिस तो में देखने को मिल सकता है और तो के दो ट्रीटमेंट होते हैं मेडिकल सर्जिकल और तीसरा हीरिंग एड होता है मेडिकल में सोडियम फ्लोराइड सर्जरी पर स्टैपिडोक्टोमी या स्टैपिडोटमी आ जाएगा ठीक हो गया और इसके इंडिकेशन में सारा एक्सप्लेन करता हूं इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ साइनोड्यूरल एंगल जिसको सिटेली एंगल कहते हैं ठीक है ये सिग्मॉइड साइनस और मिडिल क्रैनियल फोसा की प्लेट के दरमियान में पड़ा होता है सिपल सिंड्रोम सिपल सिंड्रोम में मेमोनिक

ओके okay, और न्यूरॉजिक पेन होगा तो ये आपको न्यूरोजी और पैलेटिन गेंगलिया में देखने को मिल सकता है खास तर हम सकते हैं कि डीएनएस के पेशेंट में आपको सोलोडर न्यूरोजी होता है सोलड एंगल जहां पे तीन बोनी सर्कुलर किलानाल मिलती होती है सैनोडियोर एंगल वगैरह भी सैनोडियो एंगल सिटेली एंगल कहते हैं किसके दिमाग में होता है साइनस के दिमाग में के और जबकि सोलड एंगल तीन बोनी सेमी सर्कुलर के दिमाग में होता है स्टक्चर्स ऑफ ईयर को छोड़ देते हैं ओके इसमें क्या होगा इससे शॉर्ट लिस्टिंग का ऐसे फॉर्म है सी से न्यूरोक्टर इंजेक्शन और टी से टेरिंग होता है तो ये फॉर्म ऑफ क्लासर है जो कि इंटोमैथोसिन से रिस्पॉन्ड करता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि

आपको देखने को मिल रही है क्लियर टर्प ने पे ग्लोटिस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं टीबी के अंदर होता है डीमोल इन्फिल्ट्रेशन होती है पे ग्लोटिस के लरेंजल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है लेकिन जो ल्यूपस के अंदर जो होगा पे ग्लोटिस पूरा उड़ जाएगा इसमें एडिमा नहीं होगा बल्कि पे ग्लोटिस को ढीड़ देगा ओ, 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 ओके तो इसको नोट कर लेना

बस वैसे वेगस होती है सिवाय टेंिलाई पैलटी के जिसको सप्लाई करती है हमारी टर्फ टू मेजर टैर

मेजर के लिए होता है मैक्सवन ट्रायंगल इज अ लैंडमार्क ऑफ मास्टर एंड्रोम है किनार ऑफ फिगर ओपनिंग होती है इंटीरियर वाल ऑफ मिडल ईयर फॉर द एक्जिट ऑफ कॉर्डर टिम नेक्स्ट नेक्स्ट के बिल बार बिल बार क्या होती है वर्टिकल क्रास्ट होती है एक्सटर्नल कॉस्ट मीटर जबकि एक पीस ऑफ बोन लेफ्ट ऑन द सिग साइनस इसको बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं बिल आइसलैंड बोलती है नेक्स्ट रखिए कॉर्नर सेप्टम कॉर्नर सेप्टम क्या होता है परसिस्टेंट पीटर स्क्रीम फ्यूचर होता है नर्व क्या आर्टिकल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व जैक ऑफ नर्व क्या टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉस नर्व नर्व ऑफ ब्रिसबस के नर्वस इज द सेंसरी बंडल ऑफ फेशियल नर्व फिशर ऑफ सेंटोरिनी कार्टिलेजिनस पार्ट में होते हैं फोरामिना फस्का बोनी पार्ट में होता है हैंबर्ट कौन से रेटो सिफिलिस में एसएम के जो मिनिया डिजीज में आता है एक हैंडबर्ड फिनोमेना भी होता है जो कि नोज ब्लोइंग की वजह से आपको डिसइक्विलबोरियम का सामना करना पड़ जाएगा लाइट हाउस साइन या पल्सेटाइल रोई आपको एस1 एक्यूट मास्टोइडाइटिस में देखने को मिलता है पल्सेटाइल टिनाइटिस पल्सेशन ब्राउन साइन फिलिप्स साइन ग्लोमस के अंदर होती है एंग्लोमस स्टीवन में होते हैं बिनाइन ट्यूमर है मिडिल ईयर का रिजर्व साइन एक्यूट मास्टोइडाइटिस में होता है रिजर्व साइन या टीपोट साइन सीएसएफ राइनोरिया में होता है बिज़ोल्ड एब्सेस एसआर मास्टोइडाइटिस या मास्टोइड एब्सेस जो कि इन रिलेशनशिप होती है किसके लिए स्टैंडर्ड के लिए सिटेली होती है

क्लियर और से ओनोटी सेल और से ऑप्टिक नर्व तो उसका रिलेशनशिप ऑप्टिक नर्व से होता है मलबरी म्यूकोजा टर्मिनेट हॉट में होता है मलबरी मैस इन द नोस तो राइनो सपोरोडियोस इज अ टस्पिटेंसी ऑफ नेजल वाल्व के लिए होता है पोटैटो ट्यूमर राइनो होता है हार्ड बॉडी नोस होती राइनो सक्लेरोमा में होते हैं फ्रिश बेसल स्क्लेरोमा राइनो सक्लेरोमेटस को बोलते हैं मिकुलिक सेल राइनो के अंदर होती है रसल बॉडी भी होते हैं चार्ल्स सिंड्रोम में कॉर्नियल एट्रोफी होता है सेंट्रो में नेजल पॉलीपेस्टमा एक्सप्लेन हाइपर यंग सिंड्रोम में रिकरेंट साइनसाइटिस ओके ब्रोंकियाक्टेसिस इसका मेमोरी का ब्रोंकियाक्टेसिस आर्स रिकरेंट साइनसाइटिस और इस एज अ स्पर्मिया जबकि कार्ट पैथोजीना का मिमोनिक बी आर एस ब्रॉक एक्टेसिस साइनस वाइटस और साइटस इन वर्सेस डबल रिंग साइन हेलो या टारगेट साइन ट्रोमेटिक सीरियस और नाइनोरिया में होता है डबल डेंसिटी साइन एलर्जिक फंगल साइनस वाइटस में होता है ट्रोय ड्रॉप साइन फ्लू और फ्रैक्चर में होता है क्लियर रोडेंट अल्सर बिजनेसल कार्ड को बोलते हैं ऑनग्रेन साइन लेडरमैन क्लासिफिकेशन अमेरिकन जॉइंट कमेटी वाली मैक्सिलरी साइनस की क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं प्रोग्नोसिस के लिए वेबर फुलगसन इन सीएन के अंदर करते हैं रिंगार्ड ट्यूमर वेट्रो पैपिलोमा को बोलते हैं एडिनोइड फेसेस एडिनोइड हाइपरट्रॉफी में होते हैं फ्रॉग फेसेस एनजीओ फाइब्रोमा में होती है होल मेन साइन एंट्रल साइन एनजीओ

रोबायर बोलते हैं क्लियर डिस्टेंस साइट ऑफ एंड फील कॉन्ट्रेक्टर मसल वाला आप पढ़ना

एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया हो सकता है और एक्यूट एपिगुलोटाइटिस वगैरह भी हो सकता है ओके एक्यूट एपिगुलोटाइटिस ग्रुप एपिटाइमोलिटिक्स टाइप को कहिए सो स्टेप 4 इज स्टेप की वजह से फ्रंकल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक किनारा हो सकता है और क्रोनिक साइनस वाटस है बाकी ब्रुलिया विनकेंटी और फ्यूजी फॉर्मिस है

हो. तो जेंटा माइसिन देते हैं मिनिया डिजीज में और स्टीराइड देते हैं सेंसिन न्यूरल हेडिंग लॉस और मिनिया डिजीज में स्टापी डॉट में स्टापी डॉट में ऑटोसाइक्लोरिस तो के अंदर करते हैं

करते हैं सेप्टोप्लास्टी डी ठीक है सेप्टोप्लास्टी में सेप्टोप्लास्टी किसके लिए करते हैं डी के लिए करते हैं राइनोप्लास्टी एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी के लिए करते हैं इनफीरियर टर्बिनेक्टोमी हाइपरट्रॉफिक इनफीरियर टर्बिनेट के लिए करते, करते हैं टेस्ट ट्रांस नेजल

उंड चॉइस जो फर्स्ट होती है वो सिस्ट के सीजन होती है विद सब लिंगल ग्लैंड सीजन है

टू होती है लेटरलाइजेशन वन वाली यूनी लेटर में करते हैं ओके okay, जो लेटरलाइजेशन है बाई लेटर में करेंगे थर्ड वाली शॉर्टनिंग का पीवर और लेंथनिंग में एंट्रोफोनिया ओके वुड मैन प्रोसीजर क्या होता है लेटरलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड है काशिमा ऑपरेशन लेटरलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड ट्रैक किया और इससे फेगल डाइवर्जन क्रॉनिक एस्पिरेशन फॉलोइंग द बायलेटरल कंप्लीट पाल्सी देखने को मिल सकती है माइटोमाइसिन सी है इस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल नेजल पैकिंग के बाद या कॉनिलेट्रिसिक रिपेयर के बाद या रिपेयर ऑफ लैरिंजल स्टेनोसिस के बाद आप होते बाद करते होते हो क्लियर इसके बाद रिडक्शन ग्लोटोप्लास्टी रन की अडीमा में करते हैं में करते हैं रेडियोथेरापी सर्जरी वाला क्लियर इसके बाद पार्शल अरेंजकट है पार्शल अरेंजट मेंटल या वर्टिकल होती है फर्स्ट चॉइस क्या होती है फर्स्ट चॉइस आपकी ट्रांस औरल लेजर माइक्रो सर्जरी आ जाती है लेजर लेकिन जो सेकंड चॉइस होती है ना रेडियोथेरापी की बात हो आपको करते हो पार्शल्ट में जो टाइप फोर जो टाइप थ्री स्टेज थ्री या स्टेज फोर के अंदर टोटल अर में परफॉर्म करते हैं क्लियर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं वोकल पालस के अंदर अगर यूनिलैटरल है तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है अगर यूनिलैटरल सुपीरियर यूनिलाइट्रोल सुपीरियलेंजल पालसी है तो जो वॉइस की टोन खराब होना शुरू हो जाती है यानी अगेन ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है अगर यूनिलैटरल कंप्लीट है स्पीच काफी पुअर हो जाती है जिसको ठीक कैसे करोगे ओके अब कैसे करोगे मीडियलाइजेशन करोगे

तो पहले स्टार्ट करते हैं यूनिलांट लेजल नर्विलाजल नर्व तो नर्व है तो इसमें जो वोकल कॉर्ड की पोजीशन मीडियन या पैरामीडियन हो सकती है बायलैटरल के अंदर पैरा मीडियनोस्टली no, आपको मीडियन देखने को मिल सकती है क्लियर अब ये बात रट्टा मार लेना कि जो है सब में नॉर्मल ऑलमोस्ट लेकिन बायलैटरल रिकरण के अंदर और डिस्नी आपको देखने को मिलेगा ओके क्लियर ये आपने रट्टा मार लेना है ओके दूसरी बात आपने एक और बात देखनी है कि अगर यूनिलैटरल सुपीरियर वाला हो रहा है यानी बायलैटरल सुपीरियर लैरेंजल नर्व पास ही है ओके अब वोकल कॉर्ड नॉर्मली मूविंग वोकल कॉर्ड है लेकिन दोनों के दोनों कर्व्ड है वॉइस हस्की होती है इंस्पायरेशन मौजूद होती है ओके उसके अलावा और क्या होगा इसमें आपने ट्रैक और अपीग्लोटोप्लेक्सी करनी है अपीग्लोटोपैक्सी क्यों करनी है टू प्रिवेंट द स्पायरे ट्रेक करनी है ठीक है बाकी यूनिलैटरल कंप्लीट है तो एक एडाबैरिक पोजीशन में चला जाएगा बायलैटरल कंप्लीट है तो दोनों चले जाएगा ठीक है इसमें ए हो जाएगा और इस्पायरेशन एपिसोड काफी ज़्यादा होती है तो आपने क्या करना ट्रैक को एसोफीजियल डाइवर्जन करनी है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होती है या यापीगलोटोप्लेक्सी करनी है या वोकल कॉर्ड प्लाइकेशन करनी है विद ट्रैकमी बाकी चार टाइप की होती है इसका मेमोनिक होता है ओके प्लास्टी है तो पी से क्या होगा आपकी प्रोक्सिमल मेडिलाइजेशन लैटरलाइजेशन ऐसे शॉर्टनिंग और टी से क्या होगा टाइटनिंग देखने को मिल सकती है वन टू थ्री ओके okay, अब हम देख लेते हैं सेक्विले ऑफ सी एस ओ एम अब यह सी एस ओ एम यह है क्रॉनिक सीरासोटाइटिस मीडिया इसलिए सीरासोटाइट मीडिया के कॉम्प्लिकेशन क्या होती है उसका मीमोनिक ओ कार्ड ओके okay? ओ से क्या होगा उसकी नेक्रोसिस है सी से कोलेस्ट्रॉल है से कोलेट्रोल गैन एट्रोफिक टिपेनिक ईयर है आर से पॉकेट से से है है टी नेक्स्ट है ग्रेडिन इसमें वैसे थ्री डी होती है एयर डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है टिप्लोपिया होता है ऑर्बिटल पेन या डीप सीटेड पेन होता है क्लियर इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्टेपीडाटमी है तो उसका मीमोनिक होता है आईपोड है ओके डॉक्टर में आपने इन्फेक्शन में कभी भी नहीं करनी परफोरेशन में भी नहीं करनी ओनली हियरिंग एयर या डेफनेस में इसके बाद रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन इसको छोड़ देते हैं ओके डी डी ऑफ मेम्ब्रेनस टैटस ओके तो उसका वी मेनली डिस्कस एट लेंथ अबाउट दा तो ये मेमोनिक आप दे सकते हो बाकी है डी डी ऑफ एक्यूट ट्रॉनसिलइटस ओके एक्यूट ट्रॉनसिलइटस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैडी लव मैट ओके मेम्ब्रेनस ट्रॉनसिलइटस ए ग्रैनुलोसाइटोसिस इन शॉर्ट सारी मेम्ब्रेन वाली चीज़ें यहाँ पे दी हुई है इसके बाद थ्योरीज फॉर ऑरिजन ऑफ कॉलेजोमस का मेमोनिक होता है क्रश सी से कोई जनरल थ्योरी आर से ड्यूडी थ्योरी यू से आपके आ जाएगा यू से कुछ नहीं बनेगा वी बनेगा विट मैक विट मैथ विद बैंक थ्यूरी लिखा हुआ है ओके सेडी थ्योरी और हाइबर मैन थ्योरी आपको देखने को मिलेगी बाकी इंडिकेशन ऑफ टोप्लास्टिक है तो उसका मीमोनिक होता है ए बी सी डी ए से एज आपको दस साल से ऊपर होनी चाहिए बी से बिनाइन के लिए करनी है सी से सीडक्टेड डेफनेस डी से ड्राई परफोरेशन है ई e से ड्रॉइंग ट्यूब में आपने करनी है और ऐसे क्या होगा शोड में मोबाइल है बाकी और स्मोकिंग स्पाइसी फूड फूडर स्पिरिट सोर्ट

टियालॉजी और समी ये इंपॉर्टेंट है टियालॉजी और सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस उसका मीमोनिक है स्टैमिना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस टोबैको अरिका नेट मल्टी फैक्टोरियल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर न्यूट्रिशनल और एल्कोहल ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके बाद सेक्यूले ऑफ ओटाइटस मीडिया सेक्यूले का मीमोनिक है स्काल्प कॉस्ट है एस से सेंसरी न्यूल हेरिंग लॉस सी से कॉलेस्ट्रीडोटोमा ए से एटी लैक्टिस हो जाएगा एल से लर्निंग डिसबिलिटी पी से परफोरेशन ऑफ टी एम कंडक्टिव हेरिंग लॉस ऑसिक्रोनाक्रोसिस स्पीच इंपेयरमेंट टिम्पेनोसक्लोरोसिस है तो इसका ढिंगरा के अंदर भी दिया हुआ है उसको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा ओके बाकी इंडिकेशन और टिप्पा ब्लास्ट इसको छोड़ देते हैं का टारगेट हो गया फंक्शन ऑफ ट्रेकोमी तो फंक्शन ऑफ ट्रिक्ट इसका मिमोनिक है विप बार वी आई पी बार के वेंटिलेशन है आई से क्या होगा इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर थेरापी आ जाएगी पीस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे वेर ब्रीथिंग आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेलिया एंड द रिमूवल ऑफ रिवूवलेशन है ओके okay, अब बारी कुछ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फैरिंग के इट फेरिंग है कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर वो भी खास तौर तो पर फूड तो होती है, तो तो से होता है, एसो तो होता है जिसको गेट वे ऑफ टीयर्स भी कहती है क्लियर डीसेंस के दिमाग में पड़ा हुआ होता है अब चाइल्ड फील टू थ्राइव है ड्यू टू अडी नाट क्योंकि एक ही टाइम पर वो फीडिंग कर सकता है सकलिंग कर सकता है दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है वेट वॉबलिन्रेजिया में होती है ओके okay, अब एडीनाट हाइपरप्लेजिया में सॉफ्ट टिश्यू लैटर व्यू एक्सरे नेक करवाते होते हैं लैक ऑफ कंसेंट्रेशन एप्रोसिक्सिया कोर पलम्यूनल एडीनाइट फेसिस ये जनरल सिप्टम होते हैं इसके ओके इसके बाद इंस्पायरेटरी स्नॉटिंग है ओके okay, ठीक हो गया तो जो इंस्पायरेटरी स्नॉटिंग या हॉकिंग होती है लाइफ फोर्सफुल ड्राइंग नेजल सिक्रेशन इन द थ्रॉट के जिससे हम

या कंट्रास्ट कॉन्ट्रासहासमेंट सिटी स्कैन होती है टोटल ट्रोटोट्राइट में एनपीसी होता है हैं टेम्परो पेराटल न्यूलॉजी होता है ओके पी से पैराटल पेराजिस चीज से कंडक्टर डेफेंस होती है ए सिप्टोमेटिक फ्रेंजाइटस तो ये गोनोकोकस की से होता है बेड ऑफ कॉन्सल से रिलेटेड दो स्ट्रक्चर होती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर और स्टाइलोगलोसिस मसल होते हैं व्हाइट वेबलेन जिसको वाइप ऑफ नहीं कर सकते और नो कॉन्स्टिट्यूशनल सिप्टम है तो ये कैराटोसिस है लेकिन अगर वाइप ऑफ ना कर सकते हो या करोगे तो ब्लीडिंग होगा तो वो डिफ्थेरिया आ जाएगा लेकिन वाइट मेम्ब्रेन नहीं होती ठीक है वो मेम्ब्रेन वाला या ट्रू मेम्ब्रेन कह सकती है जो टॉन्सिलियस पर होती है मोस्ट कॉमन ऑर्गेजम काज को कही आ जाएगा पोल बेनलट इनफेक्शन के लिए करते हैं फ्लशिंग ऑफ इंटरियर पिलर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में होते हैं इन्फेक्शन ओरल कैविटी टू पैर ग्लैंड तो ये कैसे आ स्टेंस एंड स्टेस से आ सकता है ओके डिहाइड्रेशन इन पोस्ट सर्जिकल केसेस तो ये क्या करवा सकती है पैरोटोटा करा सकती है सब मैंडिबुलर स्पेस को डिवाइड करने वाला माइलो हाइव जो से होती है सब मैक्सिलरी और मोलर होते हैं जबकि जो सब मोलर होते हैं सब को स्पेस को इन्फेट करते हैंटोवाइस आपको क्विंसे के अलावा टपी टी में भी देखने को मिल सकती है हाँ, क्विंस दस साल से ऊपर होता है अडल्ट है हाई फीवर है पानी भी नहीं पी रहा स्लाइवर कंट्रोल भी नहीं करवा कर पा रहा उजिया है ओके क्रिसमस भी साइड शिफ्ट हो गया तो सी है ओके okay, स्पेस को हम दो में डिवाइड करते हैं। स्पेस ऑफ में डिवाइड करते हैं। प्री प्रीवर्टिव स्पेस में क्या होगा मिड लाइन बल्ज होता है ओके okay, जबकि लिट्रोफेन्ेंजल स्पेस के अंदर क्या होगा यूनिलैटरल बल्ज होगा ओके okay, डेंटल इन्फेक्शन या डेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से लोडी कंजाना बाकी डेंटल इफेक्शन पेट्रोसाइटिस की वजह से पैराफ्रेंजल एपसेस भी हो सकती है ट्रॉसिलटिवी की वजह से भी पैराफ्रेंजल एपसेस हो सकती है सब एक्सिलरी और सब लिंगल स्पेस कंटिन्यूस होती है राउंड दोस्टल बॉडर माइलोहराट मसल इसल परफोरेशन कॉज द इन्फेक्शन ऑफ लिटोफ्रेंजियल स्पेस है तो पैराफ्रेंजियल स्पेस के अंदर ओके इन्फेक्शन वगैरह देख सको देखने को मिल सकता है या उसकी कॉम्प्लिकेशन है

गर्गलिंग साउंड इन स्वेल्विंग है ओके अगर गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस ऑन प्रेसिंग और नेक के अंदर तो वो क्या होता है हमारा ब्राइस साइन होता है एवन जो सील होता है लेकिन अगर स्वल्विंग में गर्गलिंग साउंड आ रही है अनडाइजेस्टेड फूड की रिग्रजिटेशन और रात के वक्त जनकर डायवर्टिकुलम हाइपोफ्रेंजल डायवर्टिकुलम ओके जिसको ठीक करने के लिए डोलन प्रोसीजर करते होते हैं जो एपवर्स स्केल है या स्लीप एपनिया के लिए होता है इसके बाद है कि हेनबर्ड साइन या फॉल्स

निकलता है। अब बाई मोटल डिस्ट्रीब्यूशन है और फैक्ट्री फैक्ट्रीनम से निकलता है तो लेकिन अगर ये उससे निकले चेनाइडी से निकले रेस्पिरेटरी से निकले तो उसको क्या बोलोगे इन्वर्टेड पेपिलोमा

इसके बाद एयर के बारे में आ जाते हैं अब इंटेंस इचिंग का वाटर डिस्चार्ज प्लस मिस्टी ऑर्डर तो ये ऑटोमाइकोसा इस पर जल्स नाइग्रीकन में ब्लैक होती है इस पर जल्स फीमिक में ग्रीन ब्लू होते हैं है कैंडिडा में वाइट क्रीमी डेपोजिट या वाइट क्रीमी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है ब्लड स्टेन डिस्चार्ज पेन प्लस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है तो एक्सटर्नल टाइटसा हमेजा जिसको मेलेनजाइटिस ब्लोजा भी कहते हैं अल्डरली पेशेंट है डायबिटिक है सिविर उजीजी है ग्रैनुलेशन आपको देखने को मिलती है एक्सर्टनल कॉस्टो केनाल पे तो वो मेलेग्रोटाइट एक्सटर्नल आ जाएगा क्लियर गैलियम 67 सिक्सटी सेवन एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं टेक्नीटियम आप गैलियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है

यहाँ पे अच्छा सॉरी स्टेपीडियल में कंडक्टिव हेरिंग लॉस होता है में कॉक्लिया मेंस्टोलॉजिकल होती है पेशेंट स्टार्ट फीलिंग सोशली हैंडी कैप है तो हेरिंग थ्राशोट कितना होगा थर्टी डेसिबल इससे कम हो जाएगा फेशियल पैरालिस प्लस इरप्शन ऑन एक्सटर्नल कॉस्ट के नीला ना पिना आ जाएगा किलिन पांचवें और आठवीं क्लियन होगी तो रैमसी हेंड सिंड्रोम आ जाएगा हरपीजोटिकास आ जाएगा ओके इसके बाद प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क को बेल बेलपालसी है सॉरी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन तो बेल पास जाएगा मोर चांसेस ऑफ फेशियल पैरालिसिस तो ट्रांसफर्स के अंदर ज्यादा होती है टूटनल सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है फेशियल पैरालिसिस टंग फिशर और स्वेलिंग ऑफ लिप्स इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मेलकर्सन मेलकरसन सिंह की और फेशियल पैरालिसिस है अगर स्वेटिंग और फ्लशिंग और स्किन और पैराटाइड की ड्यूरिंग पास तो फ्राइ सिम है जो कि कॉम्प्लीशन होती है फेशियल पैरालिसिस की रोटेशनल है टाइगोरोनाइटिस तो मिनरल डिजीज है इसमें वेस्टिबुलर टॉक्सिक अमाइनोग्लाइकोसाइड माइनग्लाइकोजेंटामाइसिन यूज करते हैं अगर डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है ग्लिसरॉल होता है बाकी वोल स्टैंडर्ड फॉर एक्सोस्टिक न्यूरोमा तो वो एमआरआई बहुत गोड़ी लीनम कंट्रास्ट आ जाएगा प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है ठीक है यूनिलेटरल सेंसरी लॉस है इसके अलावा डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच आउट ऑफ प्रोपोशन टू पीटी है तो ये आ जाएगा कॉस्टिक न्यूरोमा ओके okay, अब स्टार्ट करते हैं मज़ीद पॉइंट्स को जो ओरिकल होता है ये फर्स्ट और सेकंड ब्रेन के लार्चे से निकलता होता है आपने इसके रट्टा मार लेना कि कितने टूबारिकल होते हैं सिक्स होते हैं जो स्टेपीज होता है सेकंड से निकलता है सिवाय इसका एक एनुलर लिगामेंट और जो इसका एक और पार्ट भी होता है ओटिक वो ओटिक कैप्सूल से निकलता होता है एनुलर लिगामेंट और फुट प्लेट होती है हाईअट बोन सेकंड से और थर्ड से निकलती होती है ऑरिकुलर के इधर uh, कितने कार्टीलेज होता है ऑरिकल में एक ही कार्टिलज होता है जिसको सिंगल येलो इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं एरिया ऑफ 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 ऑरिकल जिसमें कार्टिलज नहीं होता होता तो लोबियल इन्सूर टर्मिनलिस स्टेशन ट्यूब थर्टी सिक्स का होता है स्टर्नल कॉस्ट किलि की होती है अब ये ट्यूब थर्टी सिक्स की होती है लाइटर वन थर्ड बोन ही होता है मिडल टू थर्टिलज होता है टू थर् बोनी होता है फ्शनल एरिया ऑफ टिमपेनिक फोर्टी फाइव से लेकर फिफ्टी फाइव होता है मिनिमम फोर्टी फाइव आ जाएगा मैक्सम फिफ्टी फाइव जो लीवर एशो होती हैंडल ऑफ मिलियस और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस होती है तो वन पॉइंट थ्री से लेकर वन होती है क्लियर ठीक हो गया बाकी जो एक और रेशो भी आती है एक एरियर रेशो होता है जो कि हमारा टिपेनिक के फुट प्लेट के दरमिया होता है जिसको हाइड्रोलिक रेशो भी आती है एयरोसिकल जिसकी कोई मसल अटैचमेंट नहीं है तो इनकास आती है सबसे ज्यादा इनका सी डैमेज होती है ओके इसकी बात है कि ओरजन ऑफ और टेंसर टिपराइ मसल जो टेंसर टिपराइन मसल है ना उसके ऑरिजन होता है इंटीरियर वाल से फ्रॉम द किनाल ऑफ टेंसर टें से ऑरिजन होता है ओके जो ऑरिजिन होता है स्टीडियस मसल का पोस्टीरियर वाल से होता है स्पेसिफिकली टिप ऑफ द पिरामिड से होता है कोकलियर इंप्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है इसको रटा मालूस केला टिम्पराए पर रखते होते हैं ओके जबकि जो इलेक्ट्रोड होता है कैसे पास करोगे राउंड विंडो से पास करते

तो आप एफ बी एस से रट्टा मार सकते हो मैकवे ट्रायंगल या ट्रायंगल में होता है अब ऑर्गन ऑफ कॉटाइट के अंदर आपको एंडोलिम देखने को मिलेगा हेयरिंग सेल और सेल्स ऑफ हेंसन है ऑटोलेथिक तो मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं ऑफ ओरिकल की वजह से पेरी कॉन्ट्रैक्ट और फ्लावर ईयर हो सकता है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम काजिंग दॉलीफ्लावर स्टेप ऑरियस जाएगा ओके ठीक है तो आ, वैसे स्टफर से ज्यादा जो पेरिकॉन्ट्राइटिस करवाता होता है पेरिकॉन्टाइटसरिकल हाँ, ये आ गया सोडोमोनास आ गया नॉर्मल हेरिंग ट्वेंटी 20 लेकर ट्वेंटी 20 होती है मॉडरेटली सीवियर हेरिंग लॉस फिफ्टी सिक्स लेकर सेवेंटी होता है नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस आपको फोर के पे में देखने को मिलता है मिनियर डिजीज या मिल सकता है बीपीवी में पोस्टर होती है की वजह से होता है बुलस मेरे ये ज्यादातर होता है इन्फ्लुएंजा की वजह से माइकोप्लाजमा की वजह से होता है वैक्स को सॉफ्ट करोगे सोडियम बाइकार सॉल्यूशन से और स्ट्रीजिंग

तो ब्रेन एफसेस होती है ओके न... ठीक हो गया वैसे मैंने पढ़ा था मोस्ट कॉमन आगे मोस्ट कॉमन एंट्रा कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेट क्रॉनिक है तो वैसे ब्रेन एप्सेस लिखा हुआ एक्स्ट्रा क्रनियलिजम को ट्यूब होती, होती है इसको कहां पर लगाती है एंटीरोपिर में लगाती है ठीक है ओके अच्छा मोस्टेंट प्रेफ फॉर वैसे एंटीरोपियर दोनों में लगा सकते हैं लेकिन एंटीरोपियर बुक में लिखा हुआ इनफीरियर होता है हमारा उसके लिए ब्रिंग कॉटमी के लिए होता है क्लियर इसके बाद फ्लक्चुएंट हेरिंग लॉस होता है

मा सकते हो इसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस द लिटरल एरिया नेजल सेप्टम की जो परफोरेशन है एबी में से जोम की वजह से भी हो सकती है अब जो सेप्टल परफोरेशन होती है कोकेन की वजह से हो सकती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनएस जो कि एपिस्टैक्सिस प्रेजेंट करता है तो बस पर होता है म्यूकुल एकसल राइनोसोक्लरोमा में होते रसल बॉडी भी आपको राइनोसोक्लरोमा में देखने को मिल सकती है राइनोसोक्लरोमा क्लिप्सलर राइनो तो जिसको फिलिश बैसिलस कहते हैं वजह से होता है राइनोसोडियस के अंदर क्या होगा मलबरी मैस देखने को मिलेगा ओके तो ये राइसोडियम सीबरी की वजह से होता है साउदर्न पार्ट में ज्यादा देखने को मिल सकता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ साइस इन चिल्ड्रन एथमॉडल है लेकिन बड़ों के अंदर मैक्सिलरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ठीक हो गया ओके जबकि पोलिप के बारे में बात करें बच्चों के अंदर जो पोलिप होता है ना ज्यादातर वो एथमॉइट सॉरी मेक्लेरी से निकलता है और बड़ों के अंदर एथमॉडल से निकलता है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पोलि तो क्या होता है फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी है रोजेंथल सिंड्रोम में होती है ठीक है ओके

एडवाइस आ जाती है थम साइन तो एक्यूटेपिकुलोटाइटस स्टीपल साइन पेंसिल टिप्स साइन क्राउप में आ जाएगा एक्यूटेपिकुलोटाइटस एच फ्लेंजा बी की वजह से होता है जबकि क्राउप पैर इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप वन टाइप टू की वजह से होता है की होल ग्लोटाइट

इसके बाद मैं गोवर्ट ऑपरेशन है या बायलेट्रोकॉन लेट्रीजे में करते हैं उसमें वाइट बोन निपल डाल देते हो बेबी के मुंह में ताकि वो सांस ले मुंह से लूड में गंजाइम एयर में ऑब्सक्शन होते ड्यू टू तो लेंजेल एडिमा बाकी और भी कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लीकेशन होतेप्टिसीमिया हो जाएगा ठीक है ये भी नोट कर लेना मोस्ट कॉमन बिनाइन लीजिए ऑफ ईयर तो वो एक्टिनिक कैराटोसिस है मोस्ट कॉमन ट्यूमर इज अकॉस्टिक अकोस्टिक आ जाएगा ओके मिडिल ईयर का मिडिल ईयर नहीं इनर ईयर का मोस्ट कॉमन का जो वटाइक वेस्टिबुलर राइटस आ जाती है ओके okay? पेरिफेरल का पेरिफेरल के अंदर अगर बात करें तो आ जाती है हमारी बीपीवी मोस्ट कॉमन लोकेशन है लिटिल एरिया में होती में क्या होती है आपकी आर क्लियर

बाकी को छोड़ देते हैं इसके बाद है अच्छा ये नोट कर लेना कि एट द टाइम दो साइनस मौजूद होती है मैक्सिलरी और होती है बाकी एडल्ट साइज को कब अटेन करती होती है लाइक इसको आपने रट्टा मारना है पंद्रह बारह बीस क्या रट्टा मार है इसको हम छोड़ देते हैं बल्कि अच्छा इसके बाद आ जाते हैं ला, अडल लैरिंग्स और पीट्स लायरिंग्स में क्या होता है जो अडल्ट का लैरिंग्स होता है सी थ्री से लेकर सिक्स सिक्स के लेवल पर होता है जबकि पीट्स का लायरिंग से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है ठीक हो गया लाइक सी थ्री और सी फोर के लेवल पर होता है एटरेस्ट कार्टिलेज अडल्ट में सॉफ्ट होती है इसमें बच्चों में ज्यादा सॉफ्टर होते हैं थायरट कार्टिलेज होता है एलिवेटेड होता है थायर एंगल लेकिन पीड्स के अंदर फ्लैटर होता है शेप बात करें तो जो पीड्स की लैरिंग्स की होती है वो कॉनिकल होती है जबकि एडल्ट में सिलेंड्रिकल होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो जो सब लैनविंग पार्ट होता है बच्चों के अंदर वो सब ग्लोटिस होता है जबकि एडल्ट के अंदर आपका ग्लोटिस वाला पार्ट होता है ओके okay, आप स्टार्ट करते हैं मजीद पॉइंट्स को तो वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट है वो कैलोरिक टेस्ट होता है थ्रेस और फेरिंग को चेक करने के लिए ऑर्डियोमी पीटीए करते हैं ट्यूबर क्लॉसिस में ट्यूबर क्लॉसिस नहीं लिखना चाहिए ट्यूबो ट्यूबोटि में सेंट्रल परफोरेशन होती है टू कंट्रोल में मार्जिनल परफोरेशन होती है एयर ट्रॉफिक रूनाइटस के अंदर जो ऑब्सक्शन होती है क्रस्टिंग की वजह से होती है यहाँ पे मर्सीफुल एन एस में भी हो जाएगा ओनलीफ वोल कॉर तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डी एन एस 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 तो बर्थ ट्रोमा होती है वैसे ये बर्थ ट्रोमा से ज्यादा तो हमारा बाहर वाला ट्रोमा होता है ओके और सर्जरी और चॉस की सेप्टोप्लास्टिक वैसे होती है यहाँ पर मोस्ट कॉमन एंट्रोकॉनल पॉली

कॉलीफ्लावर या सिंगापुर या है टाइप ऑफ कार्सिनोमा जो कि वुड वर्कर में होता है तो कारसनोमा नहीं होता बल्कि ये हमारा डीनो कार्सिनोमा होता है लेनजर कैंसर आर मोस्टली स्वेमसर कार्सिनोमा वाले होते हैं और उसमें जो सिप्टम होता, होता है वॉस होती है मोस्ट कॉमन बोन जो फ्रैक्चर होती है ना जिरी में हाईवाइट बोन होती है मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्वाइट सेंसिव न्यूरल हेरिंग लॉस ओके

उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ तो बॉडी की वजह से ये माइकोप्लाज्मा की वजह से इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है बायलेट्रोलियम होती है, है? है। यहाँ पे मैं गोवेंट प्रोसीजर करते हैं इसमें आप वाइट बोर्ड निपल लगा देते हो बेबी के मुंह में इसके बाद हार्ट इलॉन्गेटेड स्वेलिंग एंड दॉन्सिलर फोसा ओके तो अगर हार्ट इलॉन्गेटेड स्वेलिंगर फोसा के अंदर ओके okay, तो इलोंगेटेड स्टाइल प्रोसीजर लंप इन द ट इंटरफेर विद्वेलिंग ग्लोबसिकस है ठीक हो गया मतलब ठीक हो जाता है उसको फंक्शनल भी कहते हैं है. है? तो आपके बाद नेक्स्ट है जोर ऑफ टिपेनिकलीट होता है और आपको पिंक रिफ्लेक्स आपको देखने को मिल सकता है थ्रू द टिपेनिक्रेन इन एरिया ऑफ ओवल विंडो ओकेर हिमाटोलिकल की वजह से होती है

मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी या कॉस्टिक न्यूरोमा कॉमनली इफेक्ट द एट्थ नर्व का ट्यूमर होता है लेकिन सबसे पहले नर्व उड़ती है पांचवी नर्व उड़ जाती है अर्ली सेप्टेम्बर ऑफ कॉस्टिक न्यूरोमा तो डेफिनेस वाले ऐसे चीज आपको देखने को मिलती है वो सेंसिटिविटी कॉर्नियलिस सिप्टम आपका ये और साइन आपका सेंसिटिविटी कम हो जाती है कॉर्निया की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वन सेंटीमीटर सॉरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो एमआरआई वेस्टिबुलर नर्व में अर्लीएस्ट ऑकुलर फाइंडिंग इज द लॉस ऑफ कॉर्निया रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा कॉमनली राइज फ्रॉम द सुपिर ओके इसके बाद मैक्सिलरी साइनस की जो कम्युनिकेशन होती है वो मिडिल मीयर्टस में होती है डेंजरस टाइप ऑफ एयर तो डेंजरस टाइप ऑफ एयर होता है आपको एटिक ग्राउंड में

इफेक्ट करती है लाइन की नेटिंग पेन अराउंड द टॉन्सल ड्यूरिंग द एटिंग तो जो होता है ग्लोसाफेंजल न्यूरोलॉजी के वजह से होता है कॉमन कास्ट ऑफ लेंजल स्टीनोसिस तो वो हाई ट्रैक्योस्टमी है ओके okay. और हाई ट्रैक में किस में करते होते हैं आप कैंसर में करते होते हैं फॉर है, लेकिन सॉलिड के लिए नहीं है तो कार्ड है लेकिन अगर सॉलिड के लिए होता तो कैंसर आ जाता है पांच से लेकर दस दिन बाद देखने को okay. मिलता तो है सब मिकूजर रिसेप्शन एस करते है डी के अंदर करते हैं पोलिप जिसकी मलबरी अपेरेंस होती है ब्लीडिंग ब्लीड ऑन टच है तो ओके डि एंट्रोकॉनल पोलिप मैक्साइन से निकलता मैन सप्लाई फॉर एक्सर्नलगस और

इसके बाद है कि मेरिंगो प्लास्टिक में क्या होगा प्लास्टिक रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है क्लियर राइनोसपोरिटीसिस ये फंगस की वजह से होती है वैसे एक्वेटिक प्रोटोजुआ की वजह से होती है राइनोसपोरिटियम सीब्री की वजह से इसके बाद वेजो ऑफ इंटरनल या तो वो निकोटिनिक एसिड है मिनी डिजीज एसोसिएटेड विद कॉक्लियर डेफिनेस है राइनोसपोरिटीसिस फंगल ग्रानुलोमा है ओके और फंगल एक्वेटिक प्रोटोजो हमने पढ़ा हुआ सर्जरी सर ट्रीटमेंट प्रेसर डेप्सोन यूज करते हैं नेजल एलर्जीज ड्यू टू पेल म्यूकोजा ओके डीएनएस और इसमें और इसमें डिस्चार्ज बड़ा फ़ज़ूल चीज लिखी हुई है यहाँ पर हाँ uh, डीएनएस की वजह से एलर्जी हो सकती है लेकिन बहुत कम रिकंट एपिस्टेसिस है तो मेटोपोटिक डिसऑर्डर को पहले रूल आउट करना होता है ले मिरर लेर सबसे पहले गर्म करना है बिफोर प्लेसिंग ठीक है और जो फंक्शन ऑफ डीजल कैविटी है वार्मिंग मॉइस्टिंग फिल्टरिंग ट्रैक स्टार्ट होता है लोअर बॉर्डर ऑफ से स्टार्ट होता है रप्चर टीएम आपको देखने को मिलेगा कब वन सिक्सटी डेसिवल से फैक्चर ऑफ करता सीए ऑफ टोरिया पीटर पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर की वजह से होता है ब्लैक कलर पैच है तो विन्सेंड अंजाइना है सिंगल नोडियल वॉइस अबूज की वजह से होती है राइनोलिथ में कैल्सियम की डिपोजिशन होती है अराउंड द दॉरन बॉडी नॉ है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर ट्रेक में तो फॉरन बॉडी परेशान आ जाएगा

नॉट पेन जो कि रेडिएट कर एयर की तरफ पोस्टीर ट्रॉन्सलेक्टिव में आफ्टर पोस्ट ट्रॉन्सलेक्टिव में ठीक है तो ये नाइन्थ नर्व की वजह से हो सकता है बुला थमा डाली से आपको बिडल बीएटस में देखने को मिल सकती है ऑटोस्कोपी का जो मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क है अंबू है हैंडल ऑफ मेरियस है एक्यूट एपिकुलोटाइटस हिमोफ्लेज इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है टॉन्सल मैक्सिमम साइज को कर लेते हैं पांच साल तक क्रूक्ड नॉस ड्यू टू डेविएटेड नॉस डेविएटेड टिप और सेप्टम की डीएनएस की वजह से आपको देखने को मिल सकती है लेकिन टिप या सेप्टम दोनों की डेविएशन है ओके कोलेस्टेटोटोमा बोन को इरोड कर देता है टिम्पैनिक की ब्लूइशनेस आपको देखने को मिल सकती है ड्रग

एंड डिकेटेड होती है इसके बाद ऑर्गन ऑफ और कॉर्टाइस अरेंज अलॉन्ग द इनर जो बेजिलर मेमिन देखने को मिलता है आगे जो माइग्रेन का जो पेन होता है डायलेटेशन ऑफ क्रेनियल आर्टर की वजह से देखने को मिल सकता है ओके मोस्ट कॉमन सेप्ट है मैस से इनकॉड ट्रैक ऑपरेशन डिजीज के अंदर डिजीज में डिफरनेस टी नाइट वर्टी को देखने मिलेगा मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिस्पायरेटरी एलर्जी तो हाउस डस्ट होती है ओके डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट तो राइट लबाइन की वजह से कॉमन काज ऑफ एल्डरली मेल मोर देन थ्री मंथ ड्यूरेशन है स्मोकिंग का तो कैंसर ऑफ कैंसर मैं बनाना शुरू कर देगा वेस्टिब्यूल में फायरिंग में नोज में हर जगह पर किसिंग जो अल्सर होता है लैरिंग्स का

अंडर हेयर इन नॉइस तो ये पैराक्रेसिस है बोनी सेप्टल परफोरेशन सिफिलस में आती है प्रोलॉन्ग या रिपीटेड यूज ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट की वजह से डिनाइटिस मेडिकमेंट यूज हो सकता है ट्रॉमेटिक रप्चर के अंदर कंजर्वेटिव है यूसेशन ट्यूब का जो कॉमनस का है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू तो द नॉइस उसकी वजह से, वारे से आ, आ,

लेने जो मलेशिया है मैक्सिमम स्टैंडर्ड आपको बाइलाटो इकम्प्लीट प्रस में देखने को मिलता है क्लियर इसके बाद है कि ट्रीटमेंट फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्स ओके स्ट्राइडर, तो आपने प्लान ट्रेकोम करनी है जो स्टार्टर होता है एडल्ट के अंदर मेगनेसी की वजह से होता है बच्चों में इन्फ्लेमेशन की वजह से, से हो सकता है ओके आइडियल ट्रीटमेंट ऑफर एक सीन करनाथ दस ऑफ डेपोन यूज करना है ओके डिपेंडेंट डायबिटीज में अब ब्राउनिश ब्लैक डिस्चार्ज है तो डायग्नोसो ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर एंट्रोकॉल साल के बच्चों में तो है चाइल्ड विदऑट आटसिलनाटी वगैरह करनी है कॉन ऑफ लाइट अंदर होता है

सेन्यूरा हियरिंग लॉस है तो आपने कॉक्लियर इम्प्लांट यूज करना है ठीक है आगे 40 डेसिबल कंपेयर टू तो द 20 डेसिबल तो ये 10 गुना ज्यादा है वैसे लॉग वाली कहानी है यहाँ पर

टाइप थ्री फ्रैक्चर में आती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल थर्ोडक्ट हॉर्सनेस के अंदर या ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिल सकती है सीरोमिनस ग्लैंड मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड होती है मैगजिला अपने साइज को टीव अचेंज कर अचीव कर लेगा दो साल तक सर्फिस एरिया ऑफ सेवेंटी मीटर वैसे हमने फोर्टी से लेकर फिफ्टी फाइव तक पढ़ा फ्लावर इज अन् पेरी कॉन्ट्राइटर इन द बॉक्सर ये कैसे होती है सूडमराज की वजह से होती है